क्लास नहीं था ना। तो आज हम बात करेंगे अपनी क्लास पे जिसको जो की है एक्सेल की फाइल मेनू बार के अंदर हम ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो लास्ट में हमने फीडबैक तक पहुंचा था, अब बात करेंगे ऑप्शंस। मैं दोबारा बता रहा हूं कि कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम डायरेक्टली ऑप्शंस क्यों चेंज कर रहे हैं, एक्सेल की सेटिंग क्यों चेंज कर रहे हैं। बेसिकली क्या, जब भी आप कोई नई चीज लेते हैं जैसे मोबाइल फोन हो गया या कुछ और नई चीज लेते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग सेट करते हैं। हालांकि वो डिफॉल्ट सेटिंग में आता है, डिफॉल्ट सेटिंग में आता है, फिर भी हम उसको अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो सेम यहां भी है। चलिए इसी चीज को हम पढ़ते हैं, देखते हैं। सर अभी सारी सेटिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ सेटिंग्स जरूरी है रहने चाहिए, जिससे सेटिंग चेंज करने से हमें बेनिफिट्स होते हैं, उन सेटिंग्स के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं अनेबल लाइव प्रीव्यू। ये यहाँ पे चेक है और चेक रहना ही चाहिए। अगर किसी ने अनचेक कर दिया तो क्या होगा कि आप जब यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो आपको यहाँ कलर दिख जाता है ना, ये लाइव प्रीव्यू आपको नहीं दिखे। तो किसी किसी में ऐसी प्रीव्यू नहीं दिख रही है तो एक बार सेट चेक कर लीजिए किसी ने इसको अनचेक तो नहीं कर दिया। दूसरा अनेबल, जैसे कि हम किसी भी ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो उसके बारे में मुझे शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे मुझे कुछ जानना है तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं। लेकिन गूगल में सर्च करना हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। रीजन ये है कि गूगल में दी गई इंफॉर्मेशन हम जैसे आप जैसे लोगों की आर्टिकल्स एंड वेबसाइट के थ्रू होता है, लेकिन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको जाना होगा टेल मी मोर, मतलब कि इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसी का आप जो कर्सर होगा तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा टेल मी मोर, मतलब कि F1 जो करते हैं आप सर्च करते हैं, जैसे आपने शॉर्टकट एंड बाकी सर्च किए थे, सर्च करके आपको यहाँ पे देगा, इसमें दी गई इंफॉर्मेशन पूरी तरह से करेक्ट होगी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको प्रूफ रीड किया है। क्योंकि एक्सेल का जो हेल्प है जस्ट लाइक है एक्सेल का यूजर मैनुअल। अब एक्सेल ऑप्शन में हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है यहां से। अगर आपने कभी कभी क्या होता है कि जो स्क्रीन टिप्स होता है मुझे शो नहीं करने होते, रीजन जैसे कि हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू के अंदर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे हमको लगता है कि वो तुक्का लगाते हैं, तो हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो अंदाज से तुक्के से जो है किस चीज का सॉल्यूशन ना दे। तो एक्सेल ऑप्शंस के अंदर हम यहीं पे डोंट शो स्क्रीन टिप्स कर देंगे, डोंट शो स्क्रीन टिप्स। अब अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट। देखिए डिफॉल्ट फॉन्ट जो आपको होती है कैलिबरी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस फॉन्ट को यूज नहीं करते हैं, हो सकते हैं कि वो अपना खुद का फॉन्ट यूज करते हैं। सो कैलिबरी फॉन्ट जो है मान लीजिए हमें यूज नहीं करना है, तो कैलिबरी फॉन्ट को यूज ना करें, खुद का कोई फॉन्ट यूज करें, उसके लिए यहीं पे आपको दिखेगा। तो यहां से कोई फॉन्ट डिफॉल्ट यूज करें, क्योंकि अगर आप फॉन्ट चेंज करते हैं तो हर जगह पे आपको फॉन्ट चेंज करनी पड़ेगी। इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपको फॉन्ट चेंज करने की अब जरूरत नहीं है। सेम फॉन्ट की साइज, व्यू जो यहाँ नीचे व्यू होता है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, और सीट्स। जब भी आप नई फाइल क्रिएट करते हैं कंट्रोल एन से तो डिफॉल्ट 3 सीट आते हैं, उसके जगह पे आप जो है जितना नंबर शीट चाहिए वो ला सकते हैं। उसके बाद आता है ऑथर नेम। देखिए जब भी कोई फाइल पे क्लिक करते हैं तो उसका ऑथर नेम बताता है कि इस फाइल को किसने बनाया है। तो ऑथर नेम जो यहाँ होता है डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट मतलब जो आपके लॉगिन आईडी होते हैं वो ही होता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। फिर आता है ऑफिस थीम कि क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड ब्लैक, आपने ब्लैक कर दिया तो पूरा ऑफिस ब्लैक हो जाएगा। तो यहां से आप सेटिंग अपना चेंज कर सकते हैं, ब्लैक की जगह कलरफुल कर दीजिए तो कलरफुल आएगा। अब एक कैटेगरी हमारी पूरी हो गई, अगली कैटेगरी आता है फॉर्मूला।
फॉर्मूला मेनू बार के अंदर दो तीन चीजें हैं, जैसे कि आपका R1 सीगुअन रेफरेंस स्टाइल। अब जैसे यहाँ पे ABCD दिख रहा है और जैसे आपने कर्सर जो है वो H5 पे है, राइट। लेकिन जैसे ही हम R1C1 पे क्लिक करके ओके करेंगे, ये 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि ABCD था, और जहां पे H1 था A1 था वो क्या हो गया R1C1 रो 1 एंड कॉलन 1। ठीक है सर। अब एक्सेल ऑप्शंस में इसको अनचेक करता हूं, ओके करता हूं। दूसरा आता है अलर्ट, एरर अलर्ट। जैसे कि मैं कुछ भी टाइप करता हूं, अगर हमने कुछ गलत किया, जैसे मैंने यहां पे सिंगल को लाकर नंबर टाइप किया, तो एक यहां से एक एरर अलर्ट आ जाता है। हर तरह के एरर में कुछ गलती करते हैं, कुछ फॉर्मूला गलती करता है, तो सब चीज यहां दिखेगा। जैसे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे उसके बारे में बताएगा, जैसे बता रहा है कि द नंबर इन द सेल इज फॉर्मेटेड एज ए टेक्स्ट और प्रोसीड बाय एन एपोस्ट्रोफ, पता नहीं क्या होता है, तो एपोस्ट्रोफी, पता नहीं क्या होता है इसे, मतलब एपोस्ट्रोफी को बोलते हैं सर, वो जो कॉमा लगाते हैं ऊपर, वो जो इनवर्टेड कॉमा की तरह से ऊपर होता है जो लगा हुआ है, हम तो इसे सिंगल कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क। हाँ वही एपोस्ट्रोफी कॉमा। हाँ एक्चुअली जो उस तरफ जो लिखते हैं ना योर्स YOUR के बीच में कॉमा आता है ना वही वाला जो आपने लगाया एपोस्ट्रोफी। समझ गया। तो यहाँ ये जो अलर्ट दिख रहा है, तो चाहते हैं कि अलर्ट ना दिखे तो आप इग्नोर कर सकते हैं इसको, यहाँ सेलेक्ट करके इग्नोर नंबर कर दे, इग्नोर एरर इग्नोर हो जाएगा, या कन्वर्ट नंबर करेंगे देख कन्वर्ट कर देगा। तो फिलहाल हमने इग्नोर एरर कर दिया, इग्नोर होंगे तो इग्नोर हुआ जस्ट इस सेल के लिए, फिर किसी और सेल पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि भाई डेटा में रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम करता है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो क्या करेंगे फॉर्मूला में यहां से इसको अनचेक कर, अनचेक करते नहीं शो होगा। डेटा के अंदर कोई खास सेटिंग चेंज करनी नहीं होती है, इसको छोड़ दीजिए। प्रूफिंग, प्रूफिंग में एक दो चीजें हैं जो कि आपके लिए काम की है, जैसे कि ऑटो करेक्ट। जैसे एक्सेल पे क्या है कि मैं डीएस लिखता हूं तो मैंने सेटिंग अनचेक कर दी हुई है। प्रूफिंग में यहां हमने इसको ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे गया और इसको रिप्लेस टेक्स्ट विद टाइप बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है, मैंने हटाया हुआ था। अब मैं एक्सेल में या एमएस ऑफिस किसी भी साइट पे जाऊंगा, किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा, तो डीएस लिख के स्पेस मारूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट हो जाएगा, एमएस मारूंगा तो मंथली सेल्स रिपोर्ट, डीएल करूंगा तो न्यू दिल्ली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ऑप्शन के अंदर प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन में यहां पे हम बना रखे, तो आप भी बना सकते हैं। जैसे यहां पे हम ST कर देता हूं, लिख देता हूं साइड ST मतलब www.iptindia.com और यहां से ऐड कर दिया, ऐड हो गया, देन ओके, देन ओके। अब मैं यहां ST लिख के स्पेस मारूंगा, लिख मारूंगा, आ जाएगा, नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि ST क्या था, कैप्स में था, तो केस सेंसिटिव है। अब जैसे हमारा एंटर प्रेस किया, ये ब्लू कलर का हो गया, मतलब कि इसके ऊपर क्या हो गया, हाइपरलिंक लग गया। अब ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको किसी ने बोला कि एक काम करो, डेटाबेस बना दो मुझे, ये एम्प्लॉई रिकॉल बना दो आप, तो उसकी ईमेल आईडी आप टाइप करते हैं, तो ईमेल आईडी जैसे ही टाइप करते हैं, इस तरह के ब्लू कलर टिक में, ब्लू टिक में आ जाता है, राइट सर। इस पे राइट क्लिक करके मैं यहां पे इसको रिमूव हाइपरलिंक करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ईमेल आईडी या कोई पास लिखूं तो इससे हाइपरलिंक ना लगे, तो फाइल में आइए, एक्सेल ऑप्शन पे आइए, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, और यहां दिखेगा ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप पे जाइएगा, ये आपको दिख रहा होगा इंटरनेट नेटवर्क पाथ विथ हाइपरलिंक, इसको अनचेक कीजिए, देन ओके, देन ओके।
अब मैं यहां पे लिखा आईपी लिखता हूं कुछ भी से ईमेल लिखता हूं कि kumar@iptindia.com एंटर प्रेस किया तो देखिए इसमें हाइपरलिंक नहीं लगा क्योंकि हमने इसकी सेटिंग चेंज कर दी। तो प्रूफिंग में और कुछ खास नहीं है, सेव पे आते हैं। सेव में प्रॉब्लम है, दो चीजें हैं। पहली चीज जब हम कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज पे जाते हैं तो जो हमारा नीचे जो आता है फाइल टाइप वो बाय डिफॉल्ट आता है एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। लेकिन मेरा एक्सेल वर्कबुक नहीं था बट आप लोगों का एक्सेल वर्कबुक होगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आपका आता है माई डॉक्यूमेंट। अब प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मैं हम लोग अपनी फाइल को ब्रावर डॉक्यूमेंट पे सेव नहीं करते, हम लोग का एक डिफॉल्ट सेव लोकेशन है, डी ड्राइव सी ड्राइव ऐसे लोकेशन है, वहां मैं सेव करता हूं पहले। दूसरा ये हो गया, दूसरा ये जो फाइल टाइप है एक्सेल वर्कबुक ये माइक्रो डिसेबल फाइल है, इसमें किसी भी तरह का माइक्रो सेव नहीं होता है। अब मुझे माइक्रो सेव करनी है तो क्या होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा माइक्रो डिसेबल वर्कबुक। तो मैं चाहता हूं यहां पे मेरे हिसाब से फाइल डिफॉल्ट सेट हो और लोकेशन मेरे हिसाब से सेट हो, तो उसके लिए आपको एक्सेल ऑप्शंस के अंदर सेव में यहां पे आके आपको चेंज करना होगा, ठीक है जी। और फाइल पाथ को यहां से चेंज करना होगा। अब बात करते हैं ऑटो रिकवर। ऑटो रिकवर समझते क्या होता है सर? क्या ऑटो ऑटो रिकवर? ऑटो रिकवर जो खुद रिकवर करता है। सर तो आपने फाइल पाथ लिखा है तो सर ये हमको कैसे पता लगेगा कि ये यही वाला पाथ इसी का ही है? आप यहाँ पे अपने ड्राइव में डी ड्राइव से आप अपने हिसाब से जो पाथ यहाँ रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। नहीं लेकिन इस लैंग्वेज में कैसे रखेंगे सर, जैसे ये लिखा है सी फिर वो स्लैश यूजर जैसे डी ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर। अब जिस फोल्डर रखना चाहते हैं ना उस फोल्डर पे जाए। हाँ हाँ इसका यहाँ से कॉपी कर लें, जैसे आपने 2022 में डाल दिया। अच्छा तो इसको कॉपी कर लेंगे हम, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अच्छा 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 ठीक ठीक यही पूछ रहा था सर, क्योंकि ये लैंग्वेज में उस तरह से लिखा है ना सर कोड में, तो पाथ का कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं ना, आपका एफ ड्राइव है मेरा, ये हमारा सेमी कॉलन है, ये हमारा बैक स्लैश है। हाँ, नहीं लेकिन अगर सर एक भी कैरेक्टर छूटेगा तो वो सेव नहीं होगा ना सर, वो कहीं और सेव हो जाएगा। ठीक है प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। ये हो गया। अब इसमें जी सर जी कोई बात नहीं, अब बात करते हैं ऑटो रिकवर। तो यहां से आप ऑटो रिकवर को ऑन ऑफ कर सकते हैं या टाइम को चेंज कर सकते हैं। ऑटो रिकवर होता है कि सिस्टम के गलती के कारण अगर आपका फाइल क्लोज हो जाता है, सिस्टम में गलती जैसे कि ऑटोमेटिक आपका हैंग होके बंद हो गया, एंटाक्स हो गया, पावर चली गई, तो 10 मिनट तक का डेटा आपको लॉस्ट हो सकता है और जैसे नया एक्सेल फाइल खोलेंगे आपको फाइल रिकवर करके दे देगा। लैंग्वेज में कोई खास सेटिंग नहीं है, एक्सेलेरेटिव कोई खास नहीं, एडवांस एडवांस के अंदर कुछ चीजें हैं जो आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे आता है, आप चाहते हो कर्सर कहीं ना जाए तो उसको अनचेक कर दें, या आप चाहते हो कि लेफ्ट में अप में राउट में जाए तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो उसी हिसाब से जाएगा। एनेबल फिल हैंडल जो हम लोग ड्रैग करते हैं यहाँ से ड्रैगिंग हटा सकते हैं, इसी तरह की और भी चीजें यहाँ पर है लेकिन सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि शो हॉरिजॉन्टल बार, ये जो आपका ये दिख रहा है ना स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप यहां से अनचेक कर देंगे तो हट जाएगा। फिर आपको जो सीट के नेम है यहां से सीट के नेम हट जाएगा अगर अनचेक कर देते हैं तो। ऐसे आपको फॉर्म जो एबीसीडी है 1 2 3 है हट जाएगा। फॉर्मूला बार आप चाहोगे तो फॉर्मूला बार भी हट जाता है यहाँ से। ठीक है, इसको अनचेक कर दूंगा तो जो फॉर्मूला बार दिखता है यहाँ पे वो नहीं दिखेगा, हट जाएगा।
इधर छोटी मोटी सेटिंग्स है, राइट टू सीट को लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कर सकते हो, पेज ब्रेक दे सकते हैं, जीरो को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई जीरो शो ही ना करें, जीरो टाइप को लेकिन ब्लैंक दिखे, ग्रिड लाइन शो नहीं करें यहाँ से हटा सकते हो, ग्रिड लाइन का कलर, अभी ग्रिड लाइन का कलर ग्रे है ना, मैं चाहता हूँ कि इसमें रेड कलर का ग्रिड लाइन हो, ओके कीजिए, अब देखिए रेड कलर का ग्रिड लाइन, तो इस तरह की ग्रिड लाइन आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पूरा ब्लैंक करना हो तो सर कैसे होगा ये? ग्रिड लाइन हटाना हो तो वहां से अनचेक कर दीजिए, या फिर पेज लेआउट के अंदर भी आपके सामने ग्रिड लाइन व्यू को अनचेक कर दीजिए, हट जाए। अच्छा अच्छा ठीक सर, ओके सर, ठीक है। अब इसमें बारी आती है जैसे कि हम लोग यहाँ पूजा टाइप करते हैं, पूजा टाइप किए और नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं, जो पूजा है यहाँ पे देखिए मोहन आ गए, बट आप में नहीं होगा, आप में क्या होगा, आप में जैन होगा, आप जैन सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो जैन पे मार्च आएगा, आप संडे मंडे सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो संडे मंडे आएगा, बट ये नेम नहीं आएगा। नेम कब आया, जब फाइल के अंदर ऑप्शंस के अंदर गया, और इस ऑप्शंस के अंदर में हम एडवांस पे जाते हैं और नीचे आता है एडिट कस्टम लिस्ट, इस एडिट कस्टम लिस्ट पे जाएंगे और न्यू लिस्ट पे आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने तैयार कर रखी है यहाँ देखिए, ठीक है, नेम का पूजा का या तैयार भी कर सकते हैं, या फिर एक्सेल सीट पे कहीं है तो सिलेक्ट करके आप ड्रैग भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा हम एप्लीकेशन के अंदर कोई भी सेटिंग चेंज करते हैं तो ये कोई पर्टिकुलर फाइल पे सेटिंग चेंज नहीं होती है, वो पूरी एप्लीकेशन पे चेंज होती है, जैसे मैंने लिस्ट यहाँ बना रखा है तो ये आपको हर फाइल पे इसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे आप एक एक करके टाइप कर दीजिए और ऐड कर दीजिए यहाँ से, या फिर कहीं टाइप किया हुआ है सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लीजिए। ये कोई डाउट सर? हेलो, हाँ जी सर, ओके। अब अगला आता है कस्टमाइजेबल, कस्टमाइजेबल तो आपके जो ऊपर मेनू बार है ना उसको रिवन कहा जाता है, तो कोई मेनू हटाना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा खुद का बनाया हुआ जो है वो यहाँ से हट जाए, रिमूव हो जाए, तो सिलेक्ट करके मैंने यहाँ रिमूव कर दिया, रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे आप ये दो चीजें कर सकते हैं, एक जो रिमूव बार इनबिल्ट है उसको यहाँ से आप जो है अनचेक करके हटा सकते हैं, मुझे मान लीजिए ड्रॉ नहीं चाहिए मुझे, तो ड्रॉ हटेगा लिस्ट से नहीं, लेकिन विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे विजिबल नहीं है। दूसरा आप खुद के मेनू बार क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ न्यू टैब पे क्लिक करके आप अपने मेनू बार क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वैल्यू जब भी ऐड होगी ग्रुप के साथ ऐड, या कुछ नए ग्रुप आप देख रहे होंगे कि मेरे होम मेनू बार के अंदर में कुछ नई चीज है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें सेंडर है आपका, एनालिसिस है, इसमें सेंडर है, ऑन एंटर है, ऑप्शन है, मनी टू एक्सेल है, ठीक है ना सर, लॉन्च है। इसलिए ऐसा है क्योंकि एक्सेल ऑप्शंस के अंदर कस्टमाइज रिबन में यहाँ जो होम मेनू बार है इसमें है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको रिमूव कर सकता हूँ, स्टॉक कैंसर है इसको हटा दिया, मनी टू एक्सेल है इसको हटा दिया, ऑप्शन है ए क्यू आर कोड का है, बार कोड का है, रहने देता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे न्यू ग्रुप हमने बना रखे है इसमें, और ये देखिए ऑन एंटर वाला है ऑप्शन, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दिया। तो आप किसी भी ऑप्शन सर मुझे क्रिएट, हाँ बता दो जो ऑप्शन क्रिएट करें क्यों करते हैं सर? मैं बताता हूँ क्या है कि जो आपको सामने दिख रहा है ना इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे आइएगा ना, यहाँ पे ऊपर में पॉपुलर कमांड है, इसमें आप दीजिएगा कमांड नॉट इन रिबन, दिख रहा है सर? जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए इतने सारे कमांड है जो कि आपके रिबन में नहीं हिडन है सर, दिख रहा है? अब इसमें से कुछ कमांड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, कुछ जरूरत है, जैसे ऑटो फॉर्मेट, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट का एक डिजाइन देता है जो पहले 2003 में बहुत यूज हुआ करता था। अब यहाँ कैलकुलेटर लगा सकते हो ताकि कैलकुलेटर ओपन हो जाए, कैमरा, उसके बाद इसमें और भी बहुत जैसी चीजें हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आगे चलेंगे और सीखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको इस्तेमाल करने के, उसको यूज कर सकते हैं आप। तो ऐसे यहाँ पे उसको लाया जाता है, तो मेन्यू बार को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं आप, और मॉडिफाई इसको लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ड्रॉ को चाहता हूँ
वीयू के बगल रखना, तो मैं यहाँ से ये दिख रहा आपको, यहाँ से मैंने मूव डाउन कर लिया, तो किसी भी होम मेनू बार को या किसी मेनू बार को अपने जगह से इधर उधर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए ऊपर में जहां फाइल का नाम होता है वहां पे देखिए कुछ ऑप्शन दिखेगा, सेव का दिखेगा, एंड्रो दिखेगा, रेट्रो दिखेगा, लेकिन मेरे में कुछ ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐड किए हुए हैं, जो कुछ ऐसे ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं लेकिन मेनू बार के अंदर में है, ऐसे ऑप्शन को यहाँ ऑल कमांड पे जाके उस ऑप्शन को ढूंढ के आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इसके ऊपर आपको विजुअल होगा। और उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो सिलेक्ट किया और देखिए यहाँ पे बॉर्डर दिख गया, पूरा अप्लाई हो गया। उसी तरह से मुझे अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ अप्लाई करना है तो ऑल्ट की प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे सारे मेनू बार एक्टिवेट हो गए। जैसे मुझे कैलकुलेटर ओपन करना है तो ऑल्ट 5 करूंगा तो कैलकुलेटर ओपन हो गया, क्योंकि तो कैलकुलेटर का जो है आइकन मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब अगला ऑप्शन आता है एड। देखिए एड इज क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी अपने फ्रेंड को या किसी को बोला कि यार मेरे लिए एक्सेल में फलाना चीज तुम बना दो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि वो बना के, मान लीजिए उसने .NET पे या फॉक्स प्रो पे या पैथन पे कुछ चीज बना के आपको दिया तो एक्सेल में तो रन नहीं ना होगा, एक्सेल में तो वही रन होगा जो एक्सेल से, एक्सेल को कमा अपडेट करता है, एबिलिटी है, तो वो क्या करेगा आपको एडिंस बना कर देगा। तो आपको एडिंस में जाके, गो पे जाके उस एडिंस को ब्राउज करके ऐड करना हो, जैसे कि यहां मैंने यहाँ पे ए लुकअप का मैंने ऐड कर रखा है, ये बाकी चार जो तो सिस्टम में ऑटोमेटिक होती है तो वो है सर। तो एडिंस में आपका ए होता है ऑप्शन का, बाकी ट्रस्ट सेंटर वगैरह इसमें फिलहाल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैंने आपकी फाइल मेनू बार को कंप्लीट कर दिया। एक बार आप अपने एंगल से देख लीजिएगा कि कोई छुटी हुई चीज तो नहीं है।